students, my dear friends and my seniors, let's start our topic. हमारा टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज. पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आप देख चुके हैं. सेकेंड पार्ट में ये फ्लो चार्ट से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका एनवायरमेंट क्या होता है. एनवायरमेंट एक इंटरेक्शन है बिटवीन द बायोटेक एंड नॉन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स. बायोटिक और नॉन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स का जो आपस में इंटरेक्शन होता है उसी से एनवायरमेंट डिवेलप होता है. आप ये समझिए कि आप अर्थ पर हैं या मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूं. आई एम एन ऑर्गेनिज्म. मेरे चारों तरफ, मेरी सराउंडिंग में जो भी बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं उनके इंटरेक्शन से जो डेवलप हो रहा है वो एनवायरमेंट है. उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण, यानी एनवायरमेंट. लेकिन एनवायरमेंट के लिए बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिन्हें ब्रॉडली हमने बायोटिक और नॉन बायोटिक कहा. अब ये क्या हुए? ये तीन पार्ट क्या बताते हैं आपको? ये नॉन बायोटिक का पार्ट है और ये पार्ट आपको क्या शो कर रहा है? जैव मंडल, यानी बायोस्फीयर. इट स्टैंड्स फॉर द बायोटिक टर्म्स. जीवित चीजें जिसमें फ्लोरा एंड फौना. आपने पढ़ा होगा फ्लोरा इज द वर्ड यूज फॉर एज ए सिनोनिम ऑफ प्लांट. तो फ्लोरा का मतलब क्या है? पौधे. और फौना यानी जंतु या प्राणी, आप जानते हैं. तो ये आपका जैवमंडल में आ जाता है. उसके बाद पार्ट आता है जलमंडल का. जलमंडल आप अच्छे से जानते हैं, कहां कहां पानी होता है. आप ग्लेशियर्स के बारे में जानते हैं. ग्लेशियर यानी हिमनद, वो नदियां जो हिम से भरी हुई है या उनके पिघलने से जो जल आपको प्राप्त होता है, जो नदियां निकलती हैं, वो ग्लेशियर्स हो गए. ये ओशन हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं. ओशन और सीज के बीच का डिफरेंस मैं बताऊंगा ज्योग्राफी क्लास में आपको. रिवर, एवरीबडी नोज अबाउट द रिवर. नदी, लेक दोनों तरह हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है. ठीक है, आपने स्टडी किया होगा. ये आपका जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट. उसके बाद बात आती है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर में क्या आ जाता है? जैसे माउंटेन हो गए, पर्वत हो गए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है पीक वाला. कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आपका माउंटेन क्या है और जो क्लैटी होता है वो क्या होता है. तो है क्या बेसिकली कि अगर कोई चीज हाइट पर है लेकिन हाइट पर होने के बावजूद उसका जो अपर सरफेस है वो फ्लैट है तो आपका क्लैटी हो जाता है. लेकिन अगर वो क्या है, वो आपको अपेक्स की फॉर्म में दिखाई देता है, चोटी के फॉर्म में दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? माउंटेन होता है, पहाड़ियां होती है. इज इट क्लियर? तो इज अ पार्ट ऑफ माउंटेन, प्लेन्स एंड डेजर्ट. ये तो बताने की जरूरत नहीं. सहारा का रेगिस्तान, गोभी का रेगिस्तान, प्लेन आप देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, माउंटेन्स में बता चुका हूं आपको, जैसे हिमालय पर्वत. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वायुमंडल, जिसे कि आप क्या कहते हैं? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के जो इनर पार्ट्स हैं, फाइव लेयर्स होती हैं, आपको पता होगा ब्रॉडली. कुछ सेवन लेयर्स भी बताएंगे आपको, तो मैं बताता हूं उसके बारे में. जो पहली लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभमंडल. आप ये मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है. अर्थ के ऊपर जो पहला लेयर बनता है, फर्स्ट लेयर डेवलप हो रहा है, यानी यहां पर आप खड़े हैं अर्थ के ऊपर और यहां से तकरीबन जो पोल्स होते हैं वहां पर 1 किलोमीटर की हाइट तक होता है और बाकी एरिया पर इक्वेटर पर आपका 16 किलोमीटर आपका होता है. ये क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोस्फीयर या क्षोभमंडल. इसके अलावा अगर आप जाते हैं अप टू 50 किलोमीटर, यानी यहां से आप 50 किलोमीटर आप हाइट जाते हैं, तो ये जो नई लेयर डेवलप होती है तो इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर. मेनली इन्हीं दो पार्ट्स को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं और बता देता हूं आपको. स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर आप जाएंगे तो ये मेसोस्फीयर आया, मेसोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर आया, थर्मोस्फीयर के बाद आपका एग्जोस्फीयर आ जाएगा. इसमें भी आपको पता करना पड़ेगा आयनोस्फीयर के बारे में, जो 48 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और अप्रोक्स अंतरिक्ष की शुरुआत तक, यानी 965 किलोमीटर तक वाइड रेंज है इसकी. काफी बड़ी रेंज है.
अब इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको कि और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। इट्स ओके,